नहीं करते, लिए चलते हैं मैच की ओर। हर्षित तैयार है दोनों टीम्स को, ये है कि पेस अच्छा खासा पकड़ रखा है और अंक तालिकाओं में भी दोनों टीम्स पर, मगर एक चीज कॉन्स्टेंट यहाँ चलती है वो हमारे कॉमेंटेटर मेरा साथ देने के लिए नवनीत है। स्वागत बैन कोड, समय है इस मुकाबले का, इस अद्भुत मुकाबले का, जहाँ पल्ली के सामने विजयनगर 20, क्योंकि पल्ली टस्कर्स की टीम ने टॉस गंवाया था, मुकाबले की पहली रेड उन्हें लगानी पड़ेगी। और रेड पे आए हैं हरीश, जिन्होंने पिछले 3 मुकाबलों में बैक टू बैक सुपर 10 कंप्लीट किया, का मतलब ये है कि क्षमताओं से लदा हुआ भरा हुआ ये खिलाड़ी कॉर्नर की तरफ जाके लॉबी का इस्तेमाल करते करते रह गए, का मतलब ये भी है कि पल्ली टस्कर्स ने अभी तक खाता नहीं खोला, वरना शरण को वो टच होता। अब देखिए फ्लैंक, आप लॉबी में चले गए भाई साहब, लेकिन वो जानते थे और दौड़ करके सीधे बाहर क्रॉस कर रहा। राजू गल्ला 99 पॉइंट, 100 पॉइंट का फिलहाल इंतजार रहेगा, क्योंकि इस बार राजू गल्ला पकड़े गए हैं। 1 पॉइंट पल्ली टस्कर्स। तो चलिए, पिछली बार वो टेक्निकल पॉइंट था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी पल्ली टस्कर्स के खिलाफ विजयनगर 20 की, तो यहाँ पे पल्ली टस्कर्स के डिफेंस ने, विशेषकर कॉर्नर ना जाने क्यों, लेकिन इतना ज्यादा मैग्नेट की तरह आकर्षित कर रहे हैं शरण सारे के सारे रेडर्स को। गणेश रामावत, जो कि अमूमन अपनी टीम के लिए सेकंड रेडर की भूमिका निभाते हैं, या तीसरे रेडर के तौर पर भेजा गया है। गणेश रामावत यहाँ पर जंप तो लगाया पर उस चेन को तोड़ने में असफल, और बिल्कुल उठा दिया गया उन्हें हवा में, और कदमों का जो फाउंडेशन होता है वो डगमगाया। गणेश को जाना पड़ेगा बाहर। नीव यदि मजबूत हो तो इमारत अच्छी बनती है, यहाँ जंप कमाल का लगाया था एक अच्छी, लेकिन उनके घुटने से शायद टाई को चोट आई है। बहरहाल विजयनगर 20 की टीम ने पहला पॉइंट निकाल लिया है, खाता खोला है। इससे पहले जो आपको पॉइंट मिला था वो टेक्निकल पॉइंट था। इस संस्करण में साईनाथ मंचला ने हर मुकाबले में औसतन 6 पॉइंट निकाले, 4 स्टार की ये रीडर है, 6 का ये डिफेंस है। बोनस एक्टिवेट है लेफ्ट कॉर्नर के सामने, पहले बोनस निकालने का प्रयास किया, उसके बाद अपने मानस को थोड़ा सा बदला, और अब फ्लैंक चेंज करते हुए दूसरे कॉर्नर पे आने की कोशिश की गई है। वहां रजित के सामने से क्या पॉइंट आया है, बोनस प्लस 1। पिछली बार जब पल्ली और विजयनगर 20 का जो मुकाबला हुआ था, शायद उसे 11 अंकों से जीता था पल्ली ने। जी क्रूबा आए हैं, 5 मिनट का खेल हो गया, और इस 5 मिनट के खेल में विजयनगर ने बता दिया है कि हम आपसे दबकर के नहीं खेलेंगे, 4 और 4 की बराबरी। लीडर उठाएं, उम्मीद आपके कंधे पे उठे या फिर आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, आप कभी नहीं सोचते कि लीडर वहाँ टू टच के लिए भी चला जाएगा, और ऐसे स्मार्ट मूव दिखाने होंगे। पल्ली टस्कर्स ने दिखाए भी हैं, 4-4 से मुकाबले की बराबरी। राजू गल्ला का गुल्ला अब तक नहीं खुला है, और इस गुल्लक में अभी भी एक पॉइंट आना बाकी। राहुल माफ कीजिएगा, राजू गल्ला को पॉइंट नहीं मिलेगा। और क्या राजू गल्ला यहाँ पे नर्वस 90s का शिकार हो रहा है, क्या 99 पे आकर के वो थोड़ा सा या मुंह खिला देंगे। ऑल आउट अगर हो गए विजयनगर वीर तो उसका फायदा मिलेगा पल्ली टस्कर्स को। यहाँ पर हाथों को आसमान की तरफ ले गए हैं, इसका सीधा सा मतलब है वो सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन खिलाड़ी उनके साथ ही मौजूद थे, उनमें से किसी ने भी सपोर्ट दिखाया नहीं। एक तो शरण थे, जिन्होंने अब तक खाता अपना इस मुकाबले में खोला नहीं है। तो अब साईनाथ मंचला के लिए, विजयनगर 20 के लिए डू और डाई की परिस्थिति। बोनस से काम चल जाएगा, डू और डाई से आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन रिवाइवल कैसे पाएंगे। सरप्राइज टैकल पल्ली टस्कर्स के लिए, कॉर्नर की पोजीशन पे शक्ति बेल ने अपनी शक्ति दिखाई है। हालांकि बोनस निकालने में कामयाबी जरूर हासिल हुई थी मंचला साहब को, लेकिन वो रिवाइवल जो चाहिए था वो नहीं आया। कॉर्नर्स पे बेंड होके बैठे थे शक्तिवेल, इंतजार का स्कोर 8 अंक है, फासला पल्ली टस्कर्स से 6 अंकों का है। अब पहले हाफ की समाप्ति से पहले कोशिश कीजिए कि इस फासले को 5 के अंदर समेटा जाए, क्योंकि सिर्फ विजयनगर 20 पॉइंट नहीं कमाएगा, पल्ली टस्कर्स भी वहां से दहाड़ लगाता हुआ नजर आएगा। अगली रेड लगाने के लिए धनशेखर आए हैं। धनशेखर ने अब तक इस मुकाबले में 2 पॉइंट निकाले, 1 रेड में 1 डिफेंस में। सीधा सामना करने के लिए वो जा रहे हैं संतोष के खिलाफ। संतोष अभी भी सदैव हैं, तो कवर्स को निशाना बनाने की कोशिश। दूसरे कॉर्नर पे आ रहे थे जहां शरण थे, लेकिन एम्प्टी हैंडेड एप्लीकेंट को इस्तेमाल करके वापस गए। और यहाँ पर डू और डाई रेड राजू गल्ला, शायद अभी भी उस पॉइंट का इंतजार है राजू गल्ला को, जो उन्हें पहुंचाएगा शतक के पर। लेकिन क्योंकि डू और डाई रेड है, वहां पर एक बार राजू गल्ला का
फिर से सिक्का नहीं चला और राजू गल्ला को वो जो इंतजार है उसकी घड़िया और लंबी होती हुई। टू और डाई की परिस्थिति वैसे भी किसी भी रीडर के लिए वो सुसाइडल रीड होती है। हाँ, कोच के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट साफ बयां कर रही है कि चीजें अच्छी चल रही है। इनिशिएशन शिव शक्ति का था जिन्होंने डिफेंस में आज के इस मुकाबले में अपना दूसरा चली और हरी बिल्कुल बुलडोज का कर दिया। गणेश, किस उम्मीद आप कर रहे थे आयुष, उन्हें मौका मिला है, क्या वो कुछ रिवाइवल ला सकते हैं? क्योंकि सात सात के बाद वो जो पहली गाड़ी ऐसी दिशा में चली है, यहाँ पर उस दिशा में चेंज लाए हैं गणेश। टू पॉइंट बहुत अच्छी मल्टी पॉइंटर रेड है। अब आपने राजू गल्ला को भी बाहर वापस अंदर बुला लिया और फिर एक डिफेंडर जिसको आपको गवाना पड़ा था उसे भी आपने अंदर बुला लिया है और इसी के चलते ये इज माय ट्रिप कबाल मूवमेंट। माइक के सामने बोलो या दृष्टि यानी कि कैमरा के सामने बोलो। फिलहाल एम धनशेखर यहाँ पर आया 18:10 2:40 का खेल है विजयनगर बीस। तुम्हें थोड़ा सा अगर आप वापस नहीं आएंगे तो गेम में रोमांच कम हो जाएगा। विजयनगर बीस के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोशिश करिए और ये जो लीड बना रहे हैं पल्ली टस्कर उसे कम करिए। तो ये पॉइंट ऑफिशियल दिया गया, अगर टच नहीं होता तो भी लॉबी में पांव जाने के चलते उनको बाहर जाना पड़ता। विजयनगर बीस के लिए उनके डिफेंडर्स के ऊपर दबाव बनने का सबसे बड़ा कारण उनके रेडर्स का नहीं चलना है। डू और डाई में अच्छे खासे कार्य किए हैं, लगभग ढाई रेड सक्सेसफुल निकाल लेते हैं, ढाई पॉइंट्स निकाल लेते हैं, लेकिन इस डू और डाई में सूरत हाल वो हुआ जो आमतौर पर विजयनगर बीस के रेडर्स का होता आया है। फ्रंटल ब्लॉक कवर्स की आया था और उसी के चलते अब ये फासला 9 अंकों का है। चलिए विजयनगर बीस की टीम 11 पे बहुत ज्यादा नहीं पॉइंट कमा नहीं रही है, 4 का डिफेंस है। धनशेखर इस डिफेंस में गए, ऐसे में बोनस एक्टिवेट नहीं होता। अब गणेश, ज्यादा समय पे हमने गणेश को देखा है कि वो राइट कवर की पोजीशन खेलते हैं, अभी उनको खड़े रहना पड़ रहा है राइट लेफ्ट कॉर्नर की तरफ और ऐसी पोजीशन चेंज हुई है। इससे पहले मैं गणेश के बारे में बात करता, कॉर्नर के तरफ से वो इनिशिएशन आया और उसी के चलते ये पॉइंट विजयनगर बीस की टीम ने पाया। ये बिल्कुल और क्या शानदार वहां पर छलांग लगाई दोनों एंगल और यहाँ साईनाथ मंचला 21:13 समय जो है वो समाप्त हो चुका है, यानी कि ये जो है रेड वो है आखिरी रेड। क्या साईनाथ एक और पॉइंट ला करके और वो जो पॉइंट लाने का प्रयास था वो दे करके जाएंगे और फाइनल स्कोर के समाप्ति पर रहेगा 22:13 पल्ली टस्कर्स के पक्ष में। पन्नी टस्कर्स बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा पन्नी टस्कर्स का ये 22:13 का स्कोर लाइन यानी कि 9 अंकों का फासला पन्नी टस्कर्स के पक्ष में है। कुछ समय पहले जब आधा खेल खेला गया था पहले रेडर्स का भी चलना, दूसरी तरफ रेड देते हुए नजर आए हैं, तीसरे रेडर के तौर पे चले हैं, 2 पॉइंट उन्होंने रेड लगाते हुए निकाले हैं। क्योंकि लगातार आपके लिए किरुबू चल रहे हैं, हरीश चल रहे हैं, तो इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं डेस्परेशन दिखाने की, पर संतोष के ऊपर दबाव आया है क्योंकि आपके प्राइम रेडर्स साईनाथ मंचला गणेश फिलहाल मैट के ऊपर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में नोटू साहब को ज्यादा रेड लगानी पड़ी है। बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन्हें कहा गया है कि आप आराम करिए और जो इंतजार की घड़िया थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है राजू गल्ला के लिए। देखिए जो डाटा कह रहे हैं वो तो ये है कि इंतजार की घड़िया समाप्त हो चुकी है, अपने 100 पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं राजू गल्ला ने। आज के इस मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट वो अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं और उसी के चलते उनका सुपर 100 पूरा हो चुका है। रेड लगाते हुए 100 पॉइंट इस संस्करण में राजू गल्ला के नाम, लेकिन ये डैश हरीश को बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ हरीश यहाँ पर आपती पे नवनीत जब हम गए थे तो 3 पॉइंट डिफेंडर्स ने निकाले थे विजयनगर बीस के लिए और अभी जो लगभग 6 मिनट से ऊपर का खेल खेला जा चुका है उसमें सिर्फ 1 पॉइंट आया है, यानी आज के मैच में विजयनगर बीस ने डिफेंड में सिर्फ 4 पॉइंट कमाए। गणेश का डाइव आई, जंप लगाने की कोशिश थी लेकिन उस जंप को नलिफाई किया, खारिज किया पन्नी टस्कर्स और उनके डिफेंस ने। गणेश मिला जुला गेम रहा है इनका और क्या छलांग थी, बस उस छलांग की दिशा सही नहीं नहीं रहेगा। बोनस जरूर आया लेकिन अब ये जो रेड है
ये डू और डाई बन जाएगी, और इसलिए बनेगी क्योंकि पल्ली टस्कर्स विजयनगर वीर्स का इस मुकाबले में दूसरी बार काम तमाम कर सकता है। हरीश दाएं से बाएं चलकर निकलने की कोशिश की, भनोटू ने एफर्ट जरूर दिखाया लेकिन उनका साथ नहीं मिला और संतोष खुश होंगे। राजू गल्ला ने स्वैच से एंट्री की है, अंदर आते आते वैसे आंख मार रहे थे। चलिए क्या 101वां पॉइंट आने वाला है। डुबकी लगाने की कोशिश में खुद डूब गए क्योंकि पल्ली टस्कर्स के पास शक्ति वेल मौजूद है जो धीरे धीरे अपने हाई फाइव की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। विजयनगर वीर्स का इस मुकाबले में दूसरी बार काम तमाम। राजू गल्ला वहां पर डुबकी की कोशिश में खुद हो गए, एम्प्टी हैंडेड अपने कैंप पे वापस आ गए। गया एम्प्टी हैंडेड वापस आ गए, लेकिन शिवा के पास ये ऑप्शन नहीं क्योंकि है डू और डाई रेड, और वहां पर या तो आप शहीद होकर के आइए या पॉइंट लेकर के आइए, और बेहद आसान सा पॉइंट वहां पर। डू और डाई आ चुकी है, लुत्फ उठाइए। बिल्कुल के हरी यहां पर लुत्फ उठाएंगे, और क्या वहां पर टच हुआ है नहीं हुआ है, हरीश को अभी भी इंतजार रहेगा कि कुछ कांटेक्ट करे, कुछ स्ट्रगल कर रहे, और वहां पर गिलहरी जैसा निकलने का प्रयास तो था लेकिन सारे यहां पर जो गुच्छे में डिफेंस आया है ने एक पॉइंट बोनस के रूप में लिया, यानी जो डिफरेंस है 15 अंकों का वो तो रहेगा, पर के हरीश को जाना पड़ा है बाहर। क्या शानदार छलांग था, लेकिन उतना ही खूबसूरत था वहां पर नी होल्ड, दोनों पैरों को जिस तरीके से पकड़ा हुआ शर्मी। कॉम्बिनेशन टैकल जो टीम दिखाती है वो इंश्योर करती है कि रेडर किसी भी तरीके से बाहर ना जा पाए। शिवा पिछले रेड पे आए थे, एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ा, हाईलाइन डिफेंस को भी बीट नहीं कर पाए, यहाँ भी हाईलाइन डिफेंस को बीट नहीं कर पाएंगे। कवर्स की दिशा से ये अटैक बिल्ड हुआ और ताबड़तोड़ एफर्ट दिखा के पल्ली टस्कर्स के डिफेंस ने बाहर किया है विजयनगर वीर्स के शिवा को। बिल्कुल शिवा हुए है बाहर, बाहर जाना पड़ा। अरुण भी वहां पर बाहर चले गए। साईनाथ मंचला को एक बार फिर से मौका मिला है, 2237 का स्कोर, 15 पॉइंट का डिफरेंस कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जैसे ही बोला वहां पर शिव शक्ति ने बहुत ही आगे से रोकने का प्रयास किया, एडवांस से भी एडवांस टैकल, और शिव शक्ति अपना वहां शक्ति दिखाना चाह रहे थे लेकिन ये अननेसेसरी था। यहाँ पर बिल्कुल टाइम पास के रूप में मुझे लगा शिव शक्ति का जो ये खेल था। इसके लिए हर बीतती श्रेणी उनके लिए हार अपने नजदीक ला रही है। गणेश शॉर्ट रेड लगाने की कोशिश, एक आसान सा टच, लेफ्ट कॉर्नर बाहर, ना तो हो गया लेकिन पान भी खा लिया जाए। पल्ली टस्कर्स की टीम ने कुछ वैसा ही किया है, मुकाबला तो जीत लिया लेकिन फिर भी टाइम आउट का इस्तेमाल किया जाए। गणेश रामावत की अगली रेड, 4 का डिफेंस, दाएं से बाएं चलकर में करने की कोशिश, एक तरफ चेन बनी भी है पल्ली टस्कर्स के लिए, हाई फाई से एक अंक दूर है वहां पे शक्ति वेलन। यदि गणेश को रोकने में पहला अटेम्प्ट इनका है, इन्हीं का है, हाथ इनका अड़ा है, का मतलब यह है कि शक्ति को पॉइंट भी मिलेगा साथ ही साथ उनका हाई फाई भी कंप्लीट। जी हाँ, मैच समापन की ओर वहां पर गणेश पकड़े गए हैं, स्टैंप वो जीत की अथॉरिटी वहां देगा, और भले डू और डाई हो यहाँ पर पल्ली टस्कर्स मैच जीत चुके हैं। बांग्लादेश को मौका मिला है, 6 खिलाड़ियां मौजूद है, क्या इन 6 खिलाड़ियों को थका करके बांग्लादेश अपने कोर्ट में वापस पहुंच सकते हैं, बोनस का प्रयास रह सकता है। यहाँ पर देखिए कैसे नजरें टूटी हुई है और हाथों को एक्सटेंड किया, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश को मिला एक पॉइंट और हुई है जीत पल्ली टस्कर्स की। अरुण कुमार का शिकार किया, कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े रहने वाले अरुण अभी कवर्स की पोजीशन के ऊपर मौजूद थे और उनको बार करके औपचारिक तौर पे